देखिए, एक बड़ा टारगेट हम लेकर के चले हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक सबको हम छत उपलब्ध करा दें। उसमें रियल सेक्टर का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। बीच में जो आपने अभी जिक्र किया, ऐसी तकलीफें हमें भी दिख रही थी, आ रही थी, तभी हमने एक रेगुलेटर की भूमिका के रूप में हम रेरा लेके आए। उससे कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों को भी बेनिफिट होगा। बैंक करप्शी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शी कोड, इससे भी इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा मिलेगा। और जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने पैसे ले लिए कि हम आपको 3 साल में मकान बना के दे देंगे या 5 साल में दे देंगे, उनको अभी तक ये अचीवमेंट हुआ नहीं या उनको मिला नहीं, तो रेरा के माध्यम से कंज्यूमर के हितों का भी हम ध्यान रख रहे हैं और लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो। लेकिन सर, रेरा अपना काम करेगा और जो कंज्यूमर जिनके साथ कुछ जो लोग कहते हैं कि हमें कहा गया था दिया नहीं, तो रेरा के माध्यम से उनको हम रिलीफ पहुंचाने वाले हैं। सर, जो कंज्यूमर है वो कह रहे हैं कि उनसे जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, पहले फॉर्म सी भरा जा रहा था जिसके तहत वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बनते थे, लेकिन फॉर्म अगर भरवाया जा रहा है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं रहेंगे। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं अब तो रेगुलेटर बन गया ना। जैसे पहले आप देख रहे थे सेबी नहीं आया था तो कैपिटल मार्केट में प्रॉब्लम थी ना, जैसे सेबी आया कैपिटल मार्केट रेगुलराइज हो गया। तो इसमें भी रेरा आने के बाद आपको इन चीजों की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम इसका अध्ययन करेंगे सरकार में और कंज्यूमर को हम रिलीफ पहुंचाएंगे। यूपी में रेरा को डिल्यूट किया गया, हरियाणा में डिल्यूट किया गया, केंद्र सरकार दावा कर रही है कि रेरा एक शेयर बनकर निकलेगा, लेकिन अब बायर्स कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल शेयर बनकर के निकलेगा बिल्कुल। देखिए, ये हम फेडरल स्ट्रक्चर में है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी भूमिका है, लेकिन आज जैसे यहाँ वर्कशॉप हुई, इस वर्कशॉप में भी कुछ विषय आए, इंटरेस्ट संवर्षण के भी आए, इनको क्या जीएसटी में क्या 1 जुलाई से पहले के कॉन्ट्रैक्ट पे क्या दिक्कत आ रही है, बाद में क्या दिक्कत आ रही है, आज ये 2 दिन यहाँ और चर्चा करेंगे, जो भी इनके सुझाव आएंगे उन पर हम सुधार करेंगे। सर, एक सवाल ये कि जो बायर्स हैं, जेपी के हो चाहे अमरपाली के हो, उनका ये कहना है कि सरकार उनसे कोई बात नहीं कर रही है। कैसे बात नहीं कर रही है, मेरे से मिले हैं भाई, मेरे से मिले हैं। उनका कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, जो सरकार है और बिल्डर्स के बीच बैठ के बात हो रही है। मेरे से मिले हैं, मैंने भी बात की है, मैंने जेपी ग्रुप के ऑनर से भी बात की है, हम लगातार टच में हैं। सर, जीएसटी क्या कुछ कहना हुआ सर उसमें उनका? मैं कह रहा हूँ ना, कंज्यूमर के हितों का हम ध्यान रखेंगे। सर, तो जेटली साहब नहीं बोला है तो यही तो हम बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। रखेंगे, अरे रखेंगे भाई, कंपनी दिवालिया जो हो रही है, रेरा वहाँ कैसे काम करेगा सर? करेगा ना, कैसे नहीं, रेरा में प्रावधान है भैया। कैसे बताइए, क्या कुछ उसमें टेक्निकलिटी, क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा? अगर आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप ऐसा करिए, आप आधे घंटा के बाद मेरे ऑफिस आइए, कुछ आप चीजें लाइए, हम भी आपके साथ बैठ करके आपके सुझाव को भी देखेंगे। कंज्यूमर इंटरेस्ट हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी। 2022 तक सब कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, आप सारी सरकार लगी हुई है कि परिवार परिवार को घर मिलेगा, लेकिन लैंड रेट्स अभी भी इतने ज्यादा हैं, क्या वो अफोर्डेबल का सपना पूरा होगा? देखिए, हमने 2022 तक संकल्प से सिद्धि, उसमें भी इस आइटम को लिया, लैंड रेट हो या और रेगुलेशन का विषय हो, नक्शे पास करने का विषय हो, अभी एक विषय इसमें आज की कॉन्फ्रेंस में भी आया, पहले भी आया, कि कुछ PSUs ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीन अगर बेचें तो PSU भी ठीक हो जाएंगे, और अगर वो शहर के आसपास हैं तो अफोर्डेबल हाउस का सपना भी पूरा हो जाए। ऐसे कई ऑप्शन हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर एक रेरा में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चाय ले, थैंक यू।